अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है शहरयार और आज मैं टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म से आपको मोटर स्पोर्ट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म से आपको रियल स्टेट के मतलब आउट ऑफ कंट्री के वीज़ाज़ की इन्फॉर्मेशन और उसके साथ साथ आउट ऑफ कंट्रीज़ की जनरल इन्फॉर्मेशन और मोटर स्पोर्ट्स की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक टोयोटा CHR का रिव्यू लेकर आया हूँ और आज हम इसकी प्राइस भी डिस्कस करेंगे। जी व्यूअर्स, तो सबसे पहले हम लोग इस गाड़ी के एक्सटीरियर की बात करेंगे और एक्सटीरियर के अंदर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फ्रंट लुक की और इसकी फ्रंट ग्रिल की, इसकी लाइट्स की और इसके फ्रंट किट की बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इन लोगों ने इस CHR में जो लाइट इंट्रोड्यूस करवाई है, इसके अंदर उन्होंने हैलोजिन लाइट और बल्ब इंट्रोड्यूस करवाया है और साथ इसके अंदर ऑडी टेक्स्चर इनकी टेल लाइट है यहाँ पे। और यहाँ पे साथ साथ इस गाड़ी के अंदर मॉडलेस्टा की बॉडी किट भी दी गई है। और अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो इस गाड़ी की एरोडायनामिक्स हैं, इस गाड़ी के अंदर 18-inch अलॉय रिम दिया गया है। और इस गाड़ी में स्मार्ट एंट्री भी दी गई है। व्यूअर्स, ये टोटली हाइब्रिड एनर्जी ड्राइव है। यहाँ पे आप इसका लोगो देख सकते हैं, ये इस गाड़ी की बैक है और ये इस गाड़ी का आप इसको हैचबैक, SUV, क्रॉसओवर कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि मेरी नज़र में ये गाड़ी तीनों की तरह ही आती है। और जो गाड़ी की डोर एंट्रेंस है, अक्सर औकात इस गाड़ी के अंदर लोग परेशान हो जाते हैं कि लगता है गाड़ी शायद टू डोर कार है, तो क्योंकि अक्सर औकात होता ही है कि यहाँ पे लोग उसका डोर हैंडल देख नहीं पाते, तो जो डोर हैंडल है वो कंपनी ने इसके बिल्कुल अपसाइड पे दिया है लाइक दिस। और व्यूअर्स, ये गाड़ी का सारा एक्सटीरियर, यहाँ पे गाड़ी का शार्क फिन एंटीना आता है और यहाँ पे गाड़ी का काफ़ी इन्होंने बड़ा लॉन्ग स्पॉइलर दिया है, जो आप देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली ये इतना बड़ा लॉन्ग स्पॉइलर बनता है। गाड़ी के इन्होंने बैक एंड शीशे के ऊपर यहाँ पे इन्होंने वाइपर दिया है। और आए मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी का इंटीरियर। जी व्यूअर्स, तो हम लोग इस वक्त गाड़ी के अंदर मौजूद हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं गाड़ी के इंटीरियर के अंदर बात करूं तो यहाँ पे सारा ये इसका गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है, जिसके अंदर इन्होंने ईच एंड एवरीथिंग मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील के अंदर इन्होंने ऑप्शंस दी हुई हैं, जिसके अंदर आपकी कॉल का पिक एंड ऑफ की ऑप्शन है, जिसके अंदर आपका वॉइस कमांड आता है और इसके साथ साथ आपका लेन असिस्ट की यहाँ पर मल्टीमीडिया से आप कंट्रोल से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका पार्किंग सेंसर्स जो इन्होंने फ्रंट बैक दोनों पर दिए गए हैं, और इसके साथ साथ इस गाड़ी में जो क्रूज़ कंट्रोल है वो है। और जो इस गाड़ी में जो ये हाइब्रिड गाड़ी जो CHR है, इसके अंदर जो इसका मेन फंक्शन ये होता है कि 60 की स्पीड ये बैटरी के ऊपर गाड़ी चलती है, अगर तो आपकी बैटरी चार्ज है। जैसे ही आप 60 से अपनी लिमिट क्रॉस करते हैं, जैसे ही 61-62 पर जाते हैं, तो गाड़ी ऑटोमेटिकली इंजन के ऊपर कन्वर्ट हो जाती है। और जैसे ही फॉर एग्जांपल अगर आपकी बैटरी डाउन है, इसकी जो जिसके ऊपर गाड़ी चलती है आपकी, अगर वो डाउन है तो गाड़ी तब भी आपकी ऑटोमेटिकली इंजन के ऊपर चलेगी। अभी राइट नाउ जो मेरी अभी गाड़ी है ये अभी इंजन पे स्टार्ट हो चुकी हुई है। तो अगर मैं आप लोगों को इसका ये बताता चलूँ, जो इसकी हीटेड सीट्स हैं, ये इसकी हीटेड सीट्स हैं लाइक दिस, और यहाँ से इसके कंट्रोल्स हैं 1, 3, 2, 1 एंड दिस इज़ ऑफ। और यहाँ की हीटर स्ट्रीट का जो कंट्रोल है वो अलग से है, यहाँ का सेटअप जो है वो अलग है और वहाँ का सेटअप थोड़ा अलग है। जो यहाँ का है वो उन्होंने यहाँ पे ऑप्शन दी हुई है। और दूसरी की और चीज़ ये, जो यहाँ का क्लाइमेट कंट्रोल है इन दो साइड्स का और उन दो साइड्स का, इन दोनों का भी आप अलग अलग ऑपरेशन कर सकते हैं। जो इन दो साइड्स का वो ये बनेगा, जो राइट साइड का, और जो लेफ्ट साइड का वो आपका ये बनेगा।
ठीक है। और सेकंड आपका जो अक्सर अवकात जो लोग हैं वो काफ़ी इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ इको हीट एंड कूल ना, तो अब यहाँ पे यूँ अक्सर अवकात यूँ होता है कि लोग यूँ समझते हैं कि इस इको का जो मोड है वो कनेक्ट करता है इसके साथ, बट ये इको मोड और जो वो वाला इको मोड है ये थोड़ा डिफरेंट है। जो ये इको मोड है, ये इको मोड है टेम्परेचर के लिए कि आपको फॉर एग्जांपल कितना ज़्यादा गर्म ना हो ना ज़्यादा ठंडा हो, ये आपकी और इसके साथ साथ इसकी आपकी एवरेज को भी फ़र्क पड़ता है, ठीक है। और अगर आप इसको ऑटो पे चलाते हैं तो गाड़ी अपने आप आपको जितनी भी इसको सेंटीग्रेड की ज़रूरत होगी गाड़ी उतना ही आपको देगी। अगर गाड़ी को गर्मी की ज़रूरत है तो ऑब्वियसली ये उतना हीट कर लेगी, और अगर गाड़ी को सर्दी की ज़रूरत है तो गाड़ी उतना ही माइनस में टेम्परेचर ले जाएगी, ठीक है। और ये आपका ऑन ऑफ का आ जाता है, ये आपकी इमरजेंसी लाइट्स आ गई हैं, और ये आपकी एलईडी आ जाती है, ये आपका डेट एंड टाइम मिनट और सेकंड के अंदर। और जो इसकी जो यहाँ पे इंटीरियर में जो उन्होंने स्टफ़ यूज़ किया हुआ है, ये प्योर लेदर हैंडमेडेड स्टफ़ है, हैंड स्टिच स्टफ है ये, और ये सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक आता है, ठीक है। और सेकेंडली ये इसकी स्पेसिस हैं, ये आप देख सकते हैं जो चार्जिंग पोर्ट इन्होंने दिया है वो स्पेस के अंदर दिया हुआ है, और 12 वॉट 120 वॉट का इसके अंदर है, काफ़ी बिग स्पेस है इनकी। और जो कप होल्डर्स की जगह है वो इन्होंने टू स्पेसेस दी हुई हैं, सबसे पहले एक ये आती है और सेकंड एक ये आती है, और यहाँ पे भी एक अच्छी स्पेस आती है। और सेकंडली ये होल्ड की ऑप्शन आती है जब आपकी गाड़ी डी पे होती है, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल ये मेरी गाड़ी डी पे है लेकिन मैं इसको होल्ड कर लेता हूँ, चलते मैंने इसको होल्ड कर लिया तो गाड़ी रुक जाती है उस टाइम, ठीक है। अब मैंने गाड़ी को अगर छोड़ देता हूँ तो ऑब्वियसली गाड़ी उसी कंडीशन के अंदर रहेगी, बेशक गाड़ी आपकी डी पे है या वैसे भी है, ठीक है। राइट नाउ मैंने गाड़ी पार्किंग पे लगा दी है, और ये आपका आ जाएगा ट्रैक्शन कंट्रोल, और ये आपका आ जाएगा ईवी मोड। जो ईवी मोड है ये आपका डिपेंड करता है कि जब आपने गाड़ी पूरी इलेक्ट्रिकल रखनी है तो उसकी उस हिसाब से उसको मेंटेन करता है, आपकी गाड़ी पूरी हाइब्रिड चलती है। व्यूअर्स, ये गाड़ी स्टार्ट हो गई आपके सामने। ये आपके जो मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं ये सारे यहाँ पे आते हैं, जिसके अंदर इसका वॉइस मिनिमाइज मैक्सिमाइज सब कुछ यहाँ पे आता है। आपका ट्रिप, आपका क्रूज़ कंट्रोल, यहाँ पे आपका क्रूज़ कंट्रोल की ऑप्शन आती है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी लाइट्स की ऑप्शन आती है, ये आपका फॉग लैंप्स की ऑप्शन आ जाएगी, यहाँ पे आपकी वाइपर्स की ऑप्शन आती है। और सेकेंडली यहाँ पे इसका फ्यूल का जो है वो यहाँ पे आता है, और जो इसका फ्रंट बोनट का आता है ये भी बिल्कुल लाइट सा बटन है, फ्रंट बोनट इसका ओपन हो चुका होगा, और ये इसका राइट साइड पे सब मल्टीमीडिया यहाँ पे आता है। आपका मिरर कंट्रोल, आपका लॉक अनलॉक, और जो इसके चारों के चारों मिरर्स, सारे मिरर्स इसके ऑटोमेटिक हैं। और जो अगर बात की जाए लेग स्पेस के हवाले से, तो जो मेरी हाइट है वो 6 feet 1 inch मेरी हाइट है, और मैं बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ईजी होकर बैठा हूँ। अब हम बात करते हैं पीछे की लेग स्पेस की। जी व्यूअर्स, तो ये हम इसकी बैक सीट में मौजूद हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी 6 feet से प्लस मेरी हाइट है और मैं बहुत ही कम्फर्टेबल होकर बैठा हूँ, और इसकी लेग स्पेस, रूम स्पेस, each and everything is good. तो हम लोग इस गाड़ी की ड्राइव ही लेते हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि इसकी सस्पेंशन और इसकी ड्राइव की जो फील है वो आप लोग फील करें। आए चलते हैं एक छोटी सी ड्राइव के साथ। ये इसकी ड्राइव है, और अगर मैं आपको इसके थोड़ा पिक के बारे में बताऊं तो ये देखें गाड़ी का टॉर्क, पिक, सब कुछ बहुत बेहतरीन है। मतलब 1800 सीसी इंजन और ऊपर से हाइब्रिड, और इतनी बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी, मतलब कि मिनिमम जो इसकी फ्यूल एफिशिएंसी है इन सिटी वो 20 से 25 है। और अगर आप इसको लॉन्ग रूट पर लेकर जाते हैं, जिसमें अगर आप मरी वगैरह निकलते हैं या अगर आप मोटरवे पे निकलते हैं, तो जो आपकी फ्यूल एवरेज है वो 25 से 30 को टच करती है। तो फ्यूल इकोनॉमिकल गाड़ी भी है। अगर आप इतने पैसे भर के अच्छी गाड़ी लेते हैं और आपको उस पर फिर यूँ होता है कि उस पर फ्यूल एवरेज बहुत गंदी आती है,
तो इसमें ये चीज़ बहुत बड़ा बेनिफिट है आपको कि आप इतनी अच्छी गाड़ी लेने के बाद उसके बाद आपको फ्यूल एवरेज भी अच्छी मिलती है, तो वो बहुत एक बड़ा प्लस पॉइंट होता है। और इतनी फीचर्स के साथ, इतने एरोडायनामिक्स के साथ और इस शेप के साथ, मेरे हिसाब से तो बहुत बेहतरीन है वो। और इसके साथ साथ अगर हम इसकी 0 to 100 की बात करें तो 0 to 100 ये 9.9 सेकंड में जाती है। और इसके साथ साथ इसकी जो स्पेयर पार्ट्स हैं और चीज़ें हैं, मार्केट में 2-3 साल पहले इतनी कोई ख़ास अवेलेबल नहीं होती थी, लेकिन इस टाइम 2022 के अंदर मार्केट में इसके स्पेयर पार्ट्स और काफ़ी चीज़ें मार्केट में काफ़ी हद तक अवेलेबल हैं और इतनी कोई ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। तकरीबन 3-4 साल पहले इसकी कुछ स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते थे या काफ़ी कॉस्टली होते थे, जो जिसकी वजह से लोग CHR पे नहीं आते थे। लेकिन राइट नाउ इन 2022 जो इसके पार्ट्स हैं और जो इसके चीज़ें हैं मार्केट में इजीली अवेलेबल भी हैं और इतने कोई ज़्यादा हायर रेट्स के ऊपर भी हैं। जी व्यूअर्स, अगर मैं इसकी गाड़ी की टोटल माइलेज की बात करूँ और इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये अप्रॉक्सीमेट 61,800 चल चुकी गाड़ी है और ये अभी नॉन रजिस्टर्ड है, अभी रजिस्टर नहीं हुई और अप्लाइड फॉर गाड़ी है ये। और सेकेंडली ये जापान से तकरीबन 30,000 to 31,000 गाड़ी चल के आई थी, जो कि इसकी ऑक्शन शीट के ऊपर मेंशन है। और सेकेंडली 30,000 to 31,000 यहाँ पे गाड़ी चल चुकी है और स्टिल अभी तक नॉन रजिस्टर गाड़ी है ये। और गाड़ी की कंडीशन आप लोगों के सामने है, मैंने आप लोगों को वीडियो में शॉर्ट्स में देखा होगा आप लोगों ने। और इसकी गाड़ी के फंक्शंस, इसकी क्वालिटीज़, अमेनिटीज़, सब चीज़ें, स्पेसिफिकेशंस ऑल आर गुड, बेहतरीन। और उसके बाद अगर हम इसकी प्राइस की ब्रैकेट की बात करें तो ये बहुत कोई महंगी बजट के अंदर नहीं है, ये जस्ट 70 lakh के अंदर ये गाड़ी ऑफर कर रहे हैं हम लोग। टाइटेनियम ग्रुप इस गाड़ी को 70 lakh के अंदर ऑफर कर रहे हैं। तो अगर आप लोग इस गाड़ी को लेने में इंटरेस्टेड हैं या इस गाड़ी की कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या इसके अलावा आप लोग प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप लोग मेरे कॉन्टैक्ट पर मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओवरसीज़ क्लाइंट के लिए वो मुझे मेरे व्हाट्सअप और मेरे ईमेल पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सब लोग अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।